बड़ी खबर, भारतीय नौसेना ने अरब सागर में पकड़े गए 35 सोमालिया लुटेरों को मुंबई पुलिस को सौंप दिया है। अब उन लुटेरों पर देखिए भारतीय कानून के मुताबिक मुकदमा चलेगा। 16 मार्च को अगवा किए गए जहाज एमसी रोएन पर 40 घंटे के ऑपरेशन के बाद नौसेना ने न सिर्फ इस जहाज को कब्जे से छुड़ाया था बल्कि 35 लुटेरों को पकड़ भी लिया था। अब इन लुटेरों को मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है। अरब सागर में पकड़े गए 35 सोमालियाई लुटेरों को मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है। इन पर जो है मुकदमा चलेगा। इन लुटेरों पर भारतीय कानून के मुताबिक मुकदमा चलेगा। बता दें आपको 16 मार्च को अगवा किए गए जहाज एमसी रोएन पर 40 घंटे के ऑपरेशन के बाद नौसेना ने न सिर्फ इस जहाज को कब्जे से छुड़ाया था बल्कि जो 35 लुटेरे थे उन्हें भी पकड़ लिया था। हमारे सहयोगी नीलेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, अब इन लुटेरों को मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है, भारतीय कानून के अनुसार इन पर मुकदमा चलेगा, क्या कुछ आगे का प्रोसेस होगा? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि 16 दिसंबर बीते वर्ष इन्होंने जो पायलट जो शिप है उस पर कब्जा किया था, जिसके बाद भारतीय नौसेना द्वारा जो कार्रवाई की गई है, सभी 35 जो पायलट्स हैं उन्हें आज मुंबई पुलिस को सौंपा गया है। उन्हें आज मुंबई पुलिस के येलो गेट पुलिस स्टेशन में पहुंचाया जाएगा, जिसके बाद उनके मेडिकल जांच होगी और उसके बाद सभी की जो आईपीसी की धाराओं के तहत जो कार्रवाई है उसे अंजाम दिया जाएगा और जो इन्हें जो इनके देश भेजने की प्रक्रिया है वो भी जो है की जाएगी। लेकिन इसी के साथ जांच के दायरे में ये भी चीजें आएंगी कि आखिर ये कब से उस पूरे क्षेत्र में कहें कि जो पायरेसी है उसे अंजाम दे रहे थे, इनका मकसद क्या था, क्या इससे पहले इन्होंने किसी और तरीके की जो शिप्स हैं उस पर इस तरीके का कब्जा किया था? क्योंकि आप समझ पाएंगे कि दिसंबर महीने में जो शिप है उसे हाईजैक किया था और उसके बाद भारतीय नौसेना ने जब कार्रवाई की तो तब भी उन्हें करीबन 40 घंटे का जो पूरा ऑपरेशन है वो चला था। जब भारतीय नौसेना ने इंटरसेप्ट किया तो उन्होंने जो फायरिंग है वो कर दी थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय नौसेना ने करीबन 40 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद सभी जो 35 पायलट्स हैं उन्हें अपनी हिरासत में लिया। जो 17 क्रू मेंबर्स हैं उन्हें सुरक्षित उनके देश पहुंचाया गया है। तो फिलहाल जो प्रक्रिया है उसके अनुसार मेडिकल जांच के बाद इन्हें मुंबई पुलिस को सौंपा गया है और उसके बाद जो आईपीसी की धाराओं के तहत जो कार्रवाई। बिल्कुल, एक बड़ा ऑपरेशन चला नीलेश और एक बड़ी सफलता यहां पर मिली है। अब इन तमाम जो पायलट्स हैं इन्हें मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है, आगे की कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। Z News।